हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल. आई एम रश्मि, योर मैथ टीचर. गाइस, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें. तो इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 से एग्जांपल नंबर 10. इन अ फ्लावर बेड देर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो, 21 इन द सेकेंड एंड 19 इन द थर्ड एंड सो ऑन. तो एक फ्लावर बेड है जिसमें पहली रो में 23 फ्लावर है, नेक्स्ट रो में 21, उससे कम, फिर उससे नेक्स्ट थर्ड रो उसमें 19 है, और इस तरह से हमारे फ्लावर फ्लावर बेड पे रखे हुए हैं. देयर आर 5 रोज प्लांट्स इन द लास्ट रो, और जो लास्ट रो है उसमें हमारे 5 रोज है. जैसे देखो, मैंने यहाँ बनाया फर्स्ट, यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट रो है उसमें 23 रोजेज है. सेकेंड रो है, ये फर्स्ट रो है हमारी, फर्स्ट रो, फिर सेकेंड रो में हमारा ये सेकेंड रो, इसके अंदर हमारे यहाँ पे कितने हैं, 21 रोजेज है, और फिर थर्ड रो में 19 है, और ऐसे करके और भी रोज बनी हुई, लेकिन लास्ट रो में यहाँ पे 5 रोजेज हैं. अब आपको यहाँ पे क्या फाइंड करके बताना है कि टोटल यहाँ पे हाउ मैनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड, यानी टोटल कितने रोज हैं इस तरह से फ्लावर के. अगर हमने यहाँ पे ये सीक्वेंस बनाया है कि पहले में 23 है, फिर 21 है, फिर 19 है, इस तरह से कम होते जा रहे हैं, तो आपको ये बताना है कि यहाँ पे टोटल कितनी रोज बनी हुई है. तो एक्चुअल में हमें यहाँ पे क्या फाइंड करके बताना है, एन फाइंड करके बताना है. तो ये इसको हमने एपी बना दिया, फर्स्ट रो में 23 है, सेकेंड 21 है, थर्ड में 19 है, और लास्ट में 5 है. तो आपको ये बताना है कि ये टोटल यहाँ पे कितनी रोज है. तो हमें यहाँ पे n फाइंड करके बताना है. तो वही हम लेट करते हैं. लेट देयर आर n रोज इन द फ्लावर बेड, यानी कि हम लेट करें कि फ्लावर बेड में टोटल कितनी रोज है, n रोज है. तो वी अब यहाँ पे रोज हमें फाइंड करके बतानी है. फर्स्ट टर्म हमें गिवन है, डी हमें गिवन है, और हाउ मैनी यानी हमारी रोज हमें फाइंड करनी है, यानी कि हमें स्मॉल एन फाइंड करना है. तो इसमें आपको यहाँ पे टोटल कितनी टर्म है हमें ये फाइंड करके बताना है. तो हम यहाँ पे, क्योंकि हमें लास्ट टर्म गिवन है, हम यहाँ पे ए एन का फॉर्मूला लगा लेते हैं. तो वी नो दैट ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी. अब आप यहाँ पे देखो, लास्ट टर्म हमें गिवन है, तो ए एन जो हमारी लास्ट टर्म होती है, एंथ टर्म होती है, वो हमारी यहाँ गिवन है, उसको हम ए एन से डिनोट करते हैं. ये हमारा 5 हो गया. ए यहाँ पे फर्स्ट टर्म, ए या ए वन 23 हो गया. फिर डी हमें चाहिए, वो हमारा ए टू माइनस ए वन होता है, तो ए टू माइनस ए वन, तो ए टू यहाँ पे कौन है हमारा, 21 माइनस 23 हो गया. तो प्लस माइनस माइनस, 23 में से 21 गया तो 2 बचा, लेकिन साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि 23 बड़ा है, तो इसका साइन आएगा. अब आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लो, तो दिस इम्प्लाइज ए एन हमें कितना गिवन है, 5 इक्वल टू ए या ए वन हमारा कितना है, 23 प्लस एन हमें फाइंड करना है, और डी कितना है यहाँ, माइनस 2 हो गया. सॉल्व कर लेते हैं. तो हम सबसे पहले यहाँ 23 को ट्रांसफर कर देते हैं, तो 5 माइनस 23 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू माइनस 2 हो गया. ओके, एन की वैल्यू चाहिए, तो सारी चीज़ों को हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, सिर्फ एन को ही राइट में रखेंगे. तो 5 माइनस 23 हमारा यहाँ कितना हो गया, माइनस का 18 आएगा, क्योंकि 23 माइनस है 5 गया, प्लस माइनस माइनस है, तो 18 आ गया. साइन 23 बड़ा है इसलिए उसका आएगा. तो इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू माइनस 2, तो दिस इम्प्लाइज माइनस 18, माइनस 2 यहाँ मल्टीपल में, तो इधर शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो ये माइनस 2 डिवाइड में आ गया, इक्वल टू एन माइनस 1 हो गया. तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 के टेबल में 18 आया 9 टाइम, तो दिस इम्प्लाइज 9 इक्वल टू एन माइनस 1 हो गया. अब माइनस वन इधर ट्रांसफर किया, तो 9 प्लस 1 इक्वल टू एन हो गया. तो दिस इम्प्लाई 9 प्लस 1 कितना हो गया, 10 इक्वल टू एन हो गया. यानी कि टोटल कितने रोज हैं इस तरह से, टोटल 10 फ्लावर की रोज बनी हुई है यहाँ पे. तो फाइनल आंसर लिखते हैं, सो देयर आर 10 रोज इन द फ्लावर बेड. टोटल कितनी रोज है यहाँ पे, 10 रोज है इस फ्लावर बेड में, इस तरह से जब हमने अरेंज करके बनाया उसमें. तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा. अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें. थैंक यू.